डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम वेव पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो हम वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, इन सब के बारे में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ट्रैवलिंग वेव्स पहला टॉपिक जो हमारा है। ट्रैवलिंग वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ट्रैवल कहाँ कर रही होती हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। ठीक है, तो ये नाम नहीं दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग वेव्स क्या होती हैं। तो जो वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल करती हैं, इनको हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रही हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव दोनों जो हैं वो ट्रैवलिंग वेव बन सकती हैं। वेव जो एक होल मूव करे एक वन डायरेक्शन में, उनको कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैवलिंग वेव हुआ। देन अब हम बात करते हैं कि इनकी स्पीड क्या होती है। अगर हमें स्पीड डिटरमाइन करनी है ट्रैवलिंग वेव के लिए, प्रोपोगेशन जो होगी वेव की, वो हमेशा जो मोस्टली हम कंसिडर करते हैं, वो हम करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, और उसको कैसे डिनोट करते हैं, वी से। तो अगर हम कंसिडर करें कि एक ट्रांसवर्स वेव है वो मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये अज्यूम कर रहे हैं कि फाई जो है इनिशियल फेज वो ज़ीरो है। अगर ट्रांसवर्स वेव का केस है तो ये जो y है डिनोट क्या करेगा, मूवमेंट जो पार्टिकल का y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, और x डिनोट क्या करेगा, डायरेक्शन जो है प्रोपोगेशन की। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं स्पीड। ठीक है, इसके बाद अब हमारी बात आती है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर अब हम बात करें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है और ये दिया हुआ है कि ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस हो रहा है एक एंड पे, और डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट दी स्ट्रिंग, तो ये क्या राइज करेगा, ये ट्रांसवर्स वेव को फिर राइज होंगे यहाँ से ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होंगे, वो मूव करेंगे अप एंड डाउन। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे अप एंड डाउन, और वेव जो है क्या ट्रैवल करेगी, परपेंडिकुलर। और जो वेव है वो ट्रैवल करना शुरू करेगी कहाँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, जहाँ ऑसिलेशन हो रही है, तो अगर मूवमेंट जैसे हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर मूव करेंगी, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो उसकी मूवमेंट के अलॉन्ग परपेंडिकुलर मूव करेंगी। ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होगी वो डिटरमाइन कैसे की जाती है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर हमें मास गिवन है तो मास क्या राइज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मास नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो देयर विल बी नो वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा, वो म्यू से डिफाइंड होती है। टेंशन जो है एक ही फैक्टर बन जाता है जो कि डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करता है अलॉन्ग स्ट्रिंग। अब इसी टेंशन की वजह से डिस्टर्बेंस होती है जो ट्रैवल करती है थ्रू आउट द वेव, और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, टी से। तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि स्पीड कैसे रिलेटेड है मास पर यूनिट लेंथ से, तो मास पर यूनिट लेंथ म्यू कैसे डिफाइंड होता है, एम बाय एल, इस तरीके से। यानी कि कितना हो गया, एम एल माइनस वन, मास पर यूनिट लेंथ डिफाइंड होता है ये म्यू जो फैक्टर है। और टेंशन कैसे डिफाइंड होती है, फोर्स की तरह, एक फोर्स ही है, एम इंटू ए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये सिंपल एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दे तो ये हमें क्या देगा, म्यू बाई टी जो है वो हमें क्या देगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा टी एल माइनस वन का होल स्क्वायर मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये टी एल माइनस वन दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, तो ये कुछ नहीं है स्पीड का होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो ये हमारा सिंपल क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें दिया हुआ है, तो ये हमारा 1/v² ही है। तो यहाँ से हम v क्या फाइंड करेंगे, वो जाएगा सी अंडर रूट टी बा म्यू के इक्वल। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया स्पीड का, जहाँ सी जो है क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, और वी कहाँ डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे नहीं। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होगी, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्या है प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ से डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पे नहीं। देन अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे स्पीड। अगर अब हमारा केस है लॉन्गिट्यूडनल वेव का, और अब हमारी है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, ये जो वेव है, ये डिटरमाइन रहती है दो फैक्टर्स से, एक डेंसिटी और दूसरी हमारी बल्क मॉडुलस बी। डेंसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो फॉर्म हो रही होती है, वो हो रही होती है क्योंकि इसमें कंप्रेशन फॉर्म होते हैं, पार्टिकल बहुत क्लोज रहते हैं, और रेरीफैक्शन होते हैं जो पार्टिकल बहुत अपार्ट होते हैं। तो कुछ प्लेसेस पे बहुत डेंस हो जाता है, कुछ प्लेसेस पे बहुत कम डेंस हो जाता है। तो डेंसिटी जो है वो प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, रो से। यही बल्क मॉडुलस जो है वो ये बताता है कि वॉल्यूम जो मीडियम की है वो चेंज होती है जब प्रेशर चेंज होता है। तो अगर हम चेंज करें प्रेशर कंप्रेशन का या रेरीफैक्शन का, तो वॉल्यूम भी मीडियम की चेंज होगी, और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। अब इन दोनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रो हमारा कैसे डिफाइंड होता है, एम मास बाय वॉल्यूम, यानी कि एम एल माइनस थ्री डायमेंशनल एनालिसिस में और लिख सकते हैं। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में। तो सिंपली अगर हम फाइंड करें तो चेंज इन प्रेशर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा डिफाइंड होता है माइनस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, ऐसे डिफाइंड होता है ये, या चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। डेल्टा पी का अगर हम फाइंड करें तो फोर्स बाय एरिया होता है, ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इनका डायमेंशनल एनालिसिस। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो रो बाय बी कितना हो जाएगा, रो बाय बी हमारा आ जाएगा फिर से 1/v² और डिवाइड करेंगे तो एल माइनस वन एल टी एल माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा v कितना आ जाएगा, फिर सी अंडर रूट बी बाय रो। सी हमारा डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। और अगर अब हम यहाँ पे अब दो कैटेगरीज बन जाएंगी, फ्लूइड और सॉलिड। अगर हमें फ्लूइड का केस गिवन है तो यहाँ v हो जाएगा c अंडर रूट b बाय रो, ठीक है। और अगर अब हमें सॉलिड का केस गिवन है तो यही चीज़ वेलोसिटी हो जाएगी c अंडर रूट y बाय रो, यानी कि यंग मॉडुलस आ जाएगा बल्क मॉडुलस की जगह। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया दोनों के केस में। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। डिस्कशन में अब हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव ये डिस्क्राइब करेगा कि अगर हमें इंडिविजुअल वेव फॉर्म गिवन है तो एल्जेब्रिकली कैसे वो ऐड होंगी कि हम एक नेट वेव फॉर्म डिफाइन कर सकें वेव फॉर्म। और ये बताएगा कि ओवरऑल मोशन कैसा है वेव का, और ये नहीं बताएगा कि मतलब इंडिविजुअल वेव का पार्टिकल का मोशन कैसा है। तो यहाँ पे जो हमें बताया जाएगा वो होगा ओवरऑल मोशन कैसा है वेव का, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। अब सपोज करें कि हमारे पास दो वेव है, एग्जांपल अगर हम सुपरपोजिशन का ले लें तो वो हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो मैथमेटिकली हमारे इसमें दो केसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम ले लेते हैं केस वन। कंसिडर करें दो वेव जो कि इन फेज हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन फेज, हम डिस्कशन कर रहे हैं दो वेव्स का, टू वेव्स, ठीक है। और वो उनके सेम एम्पलीट्यूड है, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सेम एंगुलर वेव नंबर है। तो वेव वन को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई वन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और वेव टू को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वाई टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सिंपली ऐसे डिनोट कर दिया हमने।
अब अगर हम प्रिंसिपल देखें सुपरपोजिशन का, तो रिजल्टेंट वेव जो होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट वाई जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये भी हमारी इन फेज होगी दोनों इंडिविजुअल वेव की, बट जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा अब ज़्यादा हो गया इंडिविजुअल वेव से, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई एक वेव हमारी इस तरीके से हमें गिवन है, ठीक है, वाई वन फॉर एग्जांपल, ठीक है, और दूसरी भी हमें इस, क्योंकि सेम ही है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड हमारा इंक्रीज होके ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया केस वन। तो अब यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, हमने ये देखा। अब हम बात करते हैं केस टू की, ठीक है। तो केस टू में अब हम क्या लेंगे कि दो वेव हैं जो कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज है, और फेज क्या है अब पाई का। तो अगर हम ले लें कि वाई वन हमारा कितना है, अब इसमें y1 है a साइन के x माइनस ओमेगा t, और y2 कितना हो जाएगा अब हमारा, y2 क्योंकि अब फेस कम्प्लीटली पाए हम ले रहे हैं तो ये माइनस a साइन के x माइनस ओमेगा t। तो अब दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो y हमें क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि अगर हमें दो इक्वेशन फॉर एग्जांपल दी हुई थी और एक हमारा आउट ऑफ फेज था सिंपली, तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, एक हमारी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y अब हमारा ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारा दो का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा केस टू हो गया। इसके बाद अब हमारा एक और केस आएगा जो कि अब हमारा है केस थ्री। केस थ्री में कंसिडर करें दो वेव हैं जो पार्शली आउट ऑफ फेज है, यानी कि फाई जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और फाई जो है लेस देन पाई है, तो इसके बीच में वो लाई करता है। अगर हमारा वेव वन वाई वन जो है वो हमारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, और वाई टू जो है हमारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन अगर हम करेंगे दोनों का एडिशन, तो y हमारा कितना हो जाएगा, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों का एडिशन आ गया, अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो y हमारा हो जाएगा 2a cos 5 बाई टू, ठीक है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करी है, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया ये, फेस कितना हो गया हमारा फाइव बाई टू। तो अब हम देखेंगे, तो अब हमारी अगर हमें वेव गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके की एक हमारी वेव है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे हमारी वेव आ रही है फेस के साथ। तो ये अब हमारा केस थ्री हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से हम क्या समझते हैं कि चेंज जो हो रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव में, जैसे ही एक स्ट्राइक होती है इंटरफेस की बिटवीन टू मटेरियल, अगर एक वेव स्ट्राइक करती है एक इंटरफेस है दो मीडियम के बीच में, फिर वो बाउंस बैक करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब इसमें हमारा इंटरफेस दो टाइप का हो सकता है, एक हमारी हो सकती है ओपन बाउंड्री, ठीक है, और दूसरी हमारी हो सकती है क्लोज्ड बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन बाउंड्री होती है जब अगर एक वेव स्ट्राइक करे एक इंटरफेस पे, यानी कि अगर केस ले लें हम ओपन बाउंड्री का, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी जैसे ही वो रिफ्रैक्ट करेगी। तो जब हमारा ओपन बाउंड्री का केस होगा तो वेव जो अगर इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, एज वेल एज रिफ्रैक्ट होगी ओपन बाउंड्री के केस में। और अगर हम बात करें क्लोज बाउंड्री की,
तो या रिजिड बाउंड्री आप इसे कह सकते हैं, तो वेव जो इंसिडेंट होगी वो कंप्लीटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट. एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें वॉल जो स्ट्राइक करती है, वेव जो वॉल पे स्ट्राइक करती है, तो ये हमारा दो इंटरफेस का चेंज हो गया. अब तो हम पहले उस पर बात करेंगे, अब हम रिजिड बाउंड्री का केस लेके, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री क्या होगा हमारा. ठीक है, यहाँ पे कंसिडर करें एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है एक वॉल पे और एक एंड पे. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है फिक्स्ड है, ठीक है, एक वॉल पे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक इस तरीके का केस हम ले लेते हैं, ठीक है, कि ये वॉल है हमारी, ठीक है, और ये एक आदमी है फॉर एग्जाम्पल, एक और इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है. ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो स्ट्रिंग जो है फिक्स्ड है वॉल पे और एक इंसिडेंट वेव हिट करती है उस पर, एक्स्ट्रा फोर्स लगाती है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें क्या मिलेगा, वॉल भी उतना इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड में. अब क्योंकि वॉल रिजिड है तो वो हिलेगी नहीं, तो नो वेव जनरेटेड एट द बाउंड्री. तो पहले उसमें तो क्या होगी, नो वेव विल जनरेट जनरेटेड एट बाउंड्री. ठीक है, ये होगा. फिर दूसरे केस में क्या आएगी, ये इम्प्लाई ये भी करेगा कि जो एम्पलीट्यूड है बाउंड्री का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव कम्प्लीटली आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, इनिशियल फेज पाई. तुम्हारी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई एक्स ऑफ टी, यानी कि पहली इक्वेशन जो बनेगी वो जाएगी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, अब यहाँ से ये तो एम्पलीट्यूड जो हमारी वॉल का होगा वो है, ये वॉल का एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा सिंपली. और जो दूसरी हमारी इक्वेशन जो आएगी वो हम सिंपली फेज कर जब ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वाई वन एक्स ऑफ टी कितना हो जाएगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई. यानी कि ये चेंज होके माइनस साइन कितना हो जाएगा, ये के एक्स, ये प्लस, ये हो जाएगी प्लस ओमेगा टी. तो कंक्लूजन क्या होगा कि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, कि ये जो पहले हमारी इंसिडेंट हो रही है, ये हमारी इंसिडेंट है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, तो जो इंसिडेंट हो रही है और दोनों को सुपर पोजिशन करेंगे, तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, वाई आई प्लस वाई आर रिफ्लेक्टेड, ये हो जाएगी हमारी दोनों ज़ीरो. ठीक है, ये भी हमारा पहला प्लस ही है. ठीक है, तो कंक्लूजन ये होगा कि रिफ्लेक्शन जो रिजिड बॉडी की होगी वो फेज अ फेज अगर रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिवर्सल होगा पाई का और या 180 का. ठीक है, अब ये हमारा केस हो गया रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एट ओपन बाउंड्री क्या होगा. तो हम दूसरा केस देखेंगे. रिफ्लेक्शन ओपन बाउंड्री के केस में जो होगी वो विदाउट एनी फेस चेंज होगी. तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, विदाउट एनी फेस चेंज यहाँ पे, और अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी, दोनों अकर करेंगी. तो इन दिस केस जो बाउंड्री पल्स होगी वो जनरेट होगी, और एम्पलीट्यूड कितना होगा बाउंड्री पल्स का, एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मैक्सिमम. इसका मतलब ये होगा कि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव जो है वो फेज में होंगी एक दूसरे के साथ. एज अ रिजल्ट जो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, ज़ीरो. तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारी इंसिडेंट क्या इक्वेशन बनेगी, वो हो जाएगी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ठीक है, और रिफ्लेक्शन वाली क्या हो जाएगी, वाई आर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो ये हमारा ओपन बाउंड्री का केस हो गया. नेक्स्ट अब हमारा आता है स्टैंडिंग वेव क्या होती है. स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स भी इन्हें कहते हैं, वो क्या होती है. तो अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव कहें या स्टेशनरी वेव कहें, ये वेव है जो कि मूविंग नहीं है, नाम में दिया हुआ है, जो वेव हमारी
रेस्ट पे हैं, मूविंग नहीं है यानी कि रेस्ट पे हैं। तो जब दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की, एम्पलीट्यूड की, वो ट्रैवल करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जब इंटरफेस क्रॉस करेंगी तो वो प्रोड्यूस करती हैं स्टैंडिंग वेव। यानी कि अगर हम एक वेव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मूव करी इस डायरेक्शन में, और एक और वेव ले रहे हैं हम, ये मूव करी इस डायरेक्शन में, तो जो हमारी जो वेव इंटरफेस की जो बीच में होगी वो फॉर्म होगी, वो क्या होती है, स्टैंडिंग वेव। और कंडीशन ये होती है स्टैंडिंग वेव की, जो दो ट्रैवलिंग वेव होगी वो प्रोड्यूस कर सकती हैं स्टैंडिंग वेव, अगर वेव मूव करें ऑपोजिट डायरेक्शन में और उनका क्या है, सेम एम्पलीट्यूड हो एंड सेम फ्रीक्वेंसी, बट मूवमेंट क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सर्टन इंस्टेंसेस पे देखें, अगर पीक्स दोनों की जो है ओवरलैप करेंगे, तो देन जो बोथ पीक होंगी वो एड अप हो जाएंगी और रिजल्टेंट वेव हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा स्टैंडिंग वेव। एज अ रिजल्ट जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, इनकेस स्टेशनरी वेव होगी वो, तो वेव फॉर्म जो है हमारा मूव नहीं करेगा। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बन गई। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो अगर हमारी फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल वेव लगाते हैं, जैसे कि y1 x of t हमारा कितना हो जाएगा, एक वेव का साइन हम सिंपली लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा t, और राइट में जो मूव कर रही है वो कितनी हो जाएगी, तो दूसरी वो हमारी हो जाएगी, एक हमारी i ले लेते हैं हम, एक हमारी r से डिनोट करते हैं, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को कंबाइन करेंगे तो वाई हमारा कितना हो जाएगा, अब टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। कैलकुलेशन से दोनों को सिंप्लीफाई करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, देखो एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो गया, टू ए साइन के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड हमारा डिपेंडेंट है पोजीशन क्या है पार्टिकल की, और कॉस ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम डिपेंडेंट वेरिएशन या फेज ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा ट्रैवलिंग वेव का और स्टेशनरी वेव का, कि वेव फॉर्म हमारी मूवमेंट जो हो रही है वेव फॉर्म की, वो हमेशा इंडिकेट करती है बाय द मूवमेंट ऑफ द पीक, और वेव फॉर्म स्टेशनरी वेव की क्या होती है, वो मूव नहीं करती, पीक डोंट मूव। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया ट्रैवलिंग वेव का और स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड कैपिटल ए रहता है, और यहाँ पे इसका टू ए साइन के एक्स रहता है स्टेशनरी वेव का। तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस आ गया, ट्रैवलिंग और स्टेशनरी वेव्स। देन इसी के साथ अब हमारे आते हैं नोड्स, एंटी नोड्स क्या होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होते हैं स्टेशनरी वेव के, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जो होता है एक स्टैंडिंग वेव का, वो सेम नहीं रहता थ्रू आउट दी वेव, वो चेंज होता रहता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब सर्टन पोजिशंस पे जो वैल्यू रहती है एम्पलीट्यूड की, वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, वो वैरी करती रहती है। तो वो कभी मैक्सिमम हो जाएगी और कभी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे नोड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे पोजीशन हमारी ज़ीरो होती है, तो ये हमारी पोजीशन होती है नोड्स की। और जहाँ मैक्सिमम रहती है पोजीशन एम्पलीट्यूड की, वो होती है हमारी एंटी नोड्स। सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। फिर अब यहाँ पे जब सबसे पहले हम नोड्स डिस्कशन करेंगे, तो नोड्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड उसमें हमारा ज़ीरो होता है। इन केस अगर हम स्टैंडिंग वेव की बात करें, तो एम्पलीट्यूड कैसे दिया जाता है हमारा स्टैंडिंग वेव के केस में, टू ए साइन के एक्स, तो ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम सिंपली इसको ज़ीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी साइन के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। यानी कि हम सिंपली इसे साइन एन पाई भी लिख सकते हैं, और ये साइन के एक्स हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू के एक्स कितना आ जाएगा, एन पाई के इक्वल। सिंपली हम दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये हमारा जो यहाँ से इक्वेशन आ गया, वैल्यू जो x की रिप्रेजेंट कर रही है पोजिशन ऑफ नोट, जहाँ पे x एम्पलीट्यूड हमारा ज़ीरो होगा, तो x कितना हो जाएगा, n पाई बाय k, ठीक है। और हमें डेफिनेशन क्या पता है, हमें k की डेफिनेशंस भी पता है कि वो क्या होते हैं। k हमारा डिफाइंड होता है टू पाई, k हमारा क्या डिफाइंड रहता है, टू पाई बाय
लैम्डा होता है के, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x की इक्वेशन x हो जाएगा हमारा n लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन नोड की, पोजीशन ऑफ नोड, और जहाँ पे हमारा लैम्डा वेवलेंथ है और n की वैल्यू कैसे 1, 2 या 3 वैरी करती है। अगर हाफ वेवलेंथ गिवन है तो वो सेपरेट करेगी दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स को। ठीक है, तो यानी कि अगर ये वेव, फॉर एग्जांपल हमारी वेव है, ठीक है, इस तरीके से एक हमारी वेव क्रॉस कर रही है, वहीं पे हम दूसरी वेव भी बना लेते हैं एक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये पोजीशन हमारी एंटी नोड्स की कहलाई जाती है। ठीक है, और यहीं पे ये पोजीशन जो होती है वो हमारी एंटी नोड्स की कहलाई जाती है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशंस हो गई, तो अब हम फाइंड करते हैं हमारा एंटी नोड की पोजीशन क्या आएगी। चलिए, एंटी नोड की पोजीशन के लिए अब हम क्या लिखेंगे, अभी हमें पता है कि एम्पलीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमम, तो यानी कि 2a sin kx जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, sin kx मैक्सिमम तभी होगा, ये टेंड करना चाहिए मैक्सिमम के लिए जब sin kx जो है वो टेंड करेगा 1, तभी होगा ये। तो जब इसकी इक्वेशन हम पुट करेंगे तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n+2, ठीक है, इंटू लैम्डा बाय 2। n कहाँ से रेज करेगा, 1, 2 एंड 3। ये हमारी पोजिशन हो जाएगी किसकी, एंटी नोड की। तो ये हमारा क्या हो गया, एंटी नोड। अब हम बात करेंगे इसके अलावा, जब एंटी नोड्स की और नोड्स की सिस्टम जब क्लोज्ड रहेगा बोथ एंड्स पे, तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा नोड्स एंड एंटी नोड्स। कब, जब सिस्टम जो है हमारा क्लोज्ड है एट बोथ एंड्स। चलिए, सिस्टम क्लोज्ड बोथ एंड का मतलब ये होता है कि दोनों एंड क्या है, रिजिड बाउंड्रीज हैं, और जब रिजिड बाउंड्री आती है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो नो डिस्प्लेसमेंट अब इन्वॉल्व होगी, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाउंड्री पे। तो ये इम्प्लाई करता है कि बाउंड्री एम्पलीट्यूड क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब कि बाउंड्री पे जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जो होगी स्ट्रिंग की लेंथ की एल होगी, फिक्स्ड रहेगी दोनों एंड्स पे जब रिस्ट्रिक्टेड वेव लेंथ होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वेव जो है वो वाइब्रेट करेगी सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेव लेंथ पे। अब दो एंड्स हैं तो नोड कैसे फॉर्म होंगे, जब हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ज़ीरो, तो एक्सप्रेशन फॉर नोड क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एन लैम्डा बाय 2। तो ये वैल्यू 2 तभी होगी जब एक्स हमारा क्या होगा, या तो ज़ीरो होगा या एल के इक्वल होगा। तो अगर जब हमारा एक्स जो है एल के इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से एल लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2l/n, और n हमारा कैसे वैरी करेगा, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम देखें तो लैम्डा वैल्यू नहीं ले सकता, बट इट कैन टेक वैल्यू जो सेटिस्फाई करेंगी ये इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टैंडिंग वेव होती है स्ट्रिंग की वो टाइड होती है बोथ एंड पे, और उसकी रिस्ट्रिक्टेड वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ जो रिस्ट्रिक्टेड है वो वेव नंबर भी रिस्ट्रिक्टेड होगा फिर। ठीक है, अब वेवलेंथ रिस्ट्रिक्टेड है तो वेव नंबर भी ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड होगा। और क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, वो हमारा डिफाइन रहता है v = μ/λ। ठीक है, ये हमारा डिफाइंड इस तरीके, बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हमारा यही होता है रिलेशन। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी एक स्टैंडिंग वेव की वो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, वी स्पीड है हमारी ट्रैवलिंग वेव की, तो और फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी या जो मोड ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं v जो हमारा स्पीड रहेगा और ये लैम्डा हमारी जो गिरेगी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी हम सिंपली लिख सकते हैं, वैल्यू डाल देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, vn/2l, जहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव है हमारी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी हो जाएगी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, या इसे हम क्या कहेंगे, मोड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी हमारी।
ठीक है। अब यहाँ पे अब हमारा आएगा फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक तब होगा जब n इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल नोड भी कहते हैं उसे हम, फंडामेंटल नोड। तो जब फर्स्ट हार्मोनिक होगा यानी कि लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो दो नोड्स रहेंगे एंटी नोड, तो यहाँ से हमारी जो म्यू वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वी बाय टू एल, ठीक है। अब यहीं पे सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा, जब एन इक्वल टू 2 होगा तो ये सेकेंड हार्मोनिक यानी कि वी टू की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वी बाय एल आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड हार्मोनिक, थ्री नोड्स और एन पे और टू एंटी नोड्स, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर थर्ड हार्मोनिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नोड्स एंड एंटी नोड्स। इसके बाद अब हमारा आएगा नोड्स और एंटी नोड्स में डिस्कशन का। अगर सिस्टम क्लोज्ड हो एक एंड से तो क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होंगे, सिस्टम क्या है, क्लोज्ड है एक एंड पे, ठीक है। चलिए, सिस्टम अगर क्लोज है एक एंड पे यानी कि एक ही नोड फॉर्म होगा क्लोज्ड एंड पे, तो ओनली वन नोड फॉर्म होगा और वो भी कहाँ पे होगा, वो होगा क्लोज्ड एंड पे। कंसिडर करें कि एक फिक्स्ड एंड है यानी कि x इक्वल टू 0 है और एक ओपन एंड है जब x इक्वल टू l है और स्ट्रिंग अटैच है दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो x इक्वल टू l पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे अब हमारा फॉर्म होगा एंटी नोड, ठीक है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस एंड पे। तो कंडीशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, कंडीशन आ जाएगी यहाँ से हमारी लैम्डा इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय n प्लस हाफ आ जाएगा हमारा। अभी हमने पोजीशन ऑफ एंटी नोड निकाला था, तो ये रिस्ट्रिक्टेड कौन सी वैल्यू से रहेगा, जब n 0 है 1 एंड 2, तो ये ऐसे वैरी करेगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी आ जाएंगी और वो फ्रीक्वेंसीज कैसी रहेंगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाय 2l इंटू n प्लस हाफ, ये आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी कि वही रिलेशन यूज़ करेंगे वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये हमारा हो जाएगा मोड ऑफ ऑसिलेशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, जो फर्स्ट हार्मोनिक होगी वो, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक n इक्वल टू 0 पे भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालनी है तो वो आ जाएगी हमारी कितनी, n इक्वल टू 0 पे ये 0 डाल देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, v बाय 4 l के इक्वल n 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी v बाय 4 l, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू। फिर हमारी ऐसे ही हम ऑड हार्मोनिक्स भी निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पे क्या होगा, n इक्वल टू 3 पे। तो इस सिस्टम के लिए हम देखेंगे कि हमें और ओपन रहे तो एक हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी और बाकी सारी हमें ऑड फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। तो आप इसमें कैलकुलेट करके देखना, इसमें आप v1, v2, μ1, μ2, μ2, μ3 हार्मोनिक्स कैलकुलेट करना, तो आपको सारी ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगी यहाँ पे। देन अब हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आएगा, वो है हमारा बीट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि बीट्स क्या होते हैं। चलिए, बीट्स एक फिनोमेना है जो कॉज होता है अगर दो साउंड वेव ऑफ नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी और एम्पलीट्यूड की होंगी, वो ट्रैवल करी है सेम डायरेक्शन में। तो ये तब होता है अगर हमारी दो साउंड वेव्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और क्या है वो नियरली हमारी सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम एम्पलीट्यूड की होंगी, ठीक है, और कहाँ वो है ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो ट्यूनिंग जो होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, तो अगर हम इन दोनों की इनको स्टार्ट करने से पहले क्या होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, उनको सेट करते हैं एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पे। अगर वो स्ट्राइक नहीं करती नॉइज़ तो हम उसे करते रहते हैं जब तक वो सेट नहीं हो जाती। मैथमेटिकली अगर हम देखें, अगर हम एक टाइम इंडिपेंडेंट और एक पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट ना देखें वेव का, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि S1 हमारा क्या है, A cos ओमेगा 1 ले लेते हैं, ठीक है, और S2 क्या है, A cos ओमेगा 2t। तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड और फेज हमारे वेव का सेम होगा बट फ्रीक्वेंसी वैरी कर रही है,
तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करेंगे कि ओमेगा वन जो है ग्रेटर देन ओमेगा टू है, ठीक है। अब जब ये दो वेव हमें इस जिनकी इक्वेशन दी है वो हमारी आएंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, तो हमारा एस कितना हो जाएगा, एस हमारा हो जाएगा एस वन प्लस एस टू, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस कॉस ओमेगा टू टी, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिंपल इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों को ऐड अप करके हम लिख सकते हैं 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2t cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी, ठीक है। तो हमारा जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है वो क्या है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो ओमेगा 1 क्योंकि बड़ा है ओमेगा 2 से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो है वो किसी ओमेगा बी के इक्वल है। वहीं पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा का बड़ा हो जाएगा, वेरी लार्ज। तो हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को क्या लिख देते हैं, ओमेगा ए से डिनोट कर देते हैं। तो सिंपली हमारी एस की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 2a cos ओमेगा बी टी cos ओमेगा ए टी। तो क्या होगा कि cos ओमेगा ए टी जो है वो रैपिडली बढ़ेगा, विल वैरी रैपिडली विद टाइम, और cos ओमेगा बी टी जो है वो चेंज होगा स्लोली। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो एज अ रिजल्ट ये कांस्टेंट होगी, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, एम्पलीट्यूड की, क्योंकि उसका स्मॉलर एंगुलर वेरिएशन है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा ये हुआ। अब हम बात करेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में। बीट फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी दो वेव की। अगर कंसिडर करें हम एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और एक और वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी फिर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं बीट फ्रीक्वेंसी को। तो ओमेगा हमारा कितना होता है, 2 पाई न्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वी बीट कितनी हो जाएगी, वी वन माइनस वी टू के इक्वल। देन अब हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर्स इफेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अभी भी और आगे के चैप्टर्स में भी आएगा। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जो मोशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी चेंज का है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, मोशन रिलेटेड जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि कंसिडर करें अगर एक ट्रक है जो मूव कर रहा है, बहुत दूर से आ रहा है एक लोकेशन से, और वो अप्रोच करे एक घर को, साउंड इंक्रीज होगी। जब वो पास आउट करेगा तो साउंड मैक्सिमम होगी, पर जब वो चला जाएगा तो साउंड डिक्रीज हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। जैसे ही अब एक पर्सन ऑब्जर्व करता है उसे ऑब्जर्वर कहेंगे, और एक ऑब्जेक्ट जहाँ पे साउंड वेव को जनरेट किया जा रहा है वो सोर्स। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के पास आएगा तो रिजल्ट कंप्रेस हो जाएगा, वेवलेंथ क्या होगी डिक्रीज और फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो जैसे हम केस वन डिस्कस करते हैं, जब हमारी स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा मूविंग सोर्स, तो अब यहाँ हमारा स्टेशनरी क्या है, ऑब्जर्वर है, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है वो स्टेशनरी है, और जो मोशन हो रहा है वो है हमारा जो सोर्स मूव कर रहा है वो मूविंग सोर्स है। तो अगर हम सोर्स को लोकेट कर दें किसी डिस्टेंस एल पे ऑब्जर्वर से, तो किसी टाइम टी वन पे क्या होगा, पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, पी वन, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल हमारा ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ओ टू, ये ओ वन ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पी वन और पी टू है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए किसी टी वन पे पोजीशन पी वन हो जाएगी। अब टाइम टेकन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एल बाय वी, वी जो स्पीड ऑफ साउंड है। आफ्टर सम टाइम क्या देखेंगे, पी नॉट की पोजीशन इन टाइम टी नॉट, तो पी नॉट कितनी हो जाएगी, वी एस इंटू टी नॉट। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा, जब दोनों हमारा अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा एक्सप्रेशन देगा वी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस वी एस बाय वी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन हमें याद होना चाहिए, सिंपली ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर और मूविंग सोर्स का। जब सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ जब वी नॉट हमारी वेलोसिटी होगी, हमारी
स्पीड की, और वी एस हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब केस टू में जब हम बात करेंगे तो केस टू में हमारा क्या हो जाएगा, मूविंग ऑब्जर्वर है और स्टेशनरी सोर्स। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स, तो इस केस में क्या होगा, सोर्स हमारा मूव नहीं कर रहा, तो वी एस को हम माइनस वी नॉट से रिप्लेस करते हुए हम लिख सकते हैं, वी हमारा अब हो जाएगा वी नॉट वन प्लस वी नॉट बाय वी के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस केस के लिए, जब वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला जो हमसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसके बेस न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो हम प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। तो यहाँ आज हमारा क्लास 11th का चैप्टर्स हमारे वाइंड अप हो गए, नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे पढ़ेंगे, अब हम क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये हमारा आज का 11th का चैप्टर वाइंड अप कर दिया हमने वेव का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीरीज एंड कीप लाइकिंग द सीरीज। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।